हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और प्रॉब्लम के बारे में, एक और समस्या के बारे में, एक और परेशानी के बारे में। सूरत अंजाल इनफैक्ट दो वर्ड्स से मिलकर बनने वाला एक टर्म है जो कि यूनानी में इस्तेमाल किया जाता है। सूरत यानी तेजी या जल्दी, अंजाल यानी खारिज होना, नाजिल होना, निकलना, गिर पड़ना, डिस्चार्ज हो जाना। तो ऐसी कंडीशन जबकि कोई मर्द इंटरकोर्स करते वक्त या करने से पहले अपने एक खास टाइम से पहले ही अगर सीमन का इखराज हो जाता है तो उस सूरत हाल को सूरत अंजाल कहा जाता है। यानी कि एक जो टाइम होना चाहिए वो उसको नहीं मिलता है, उससे पहले ही अंजाल हो जाता है, खारिज हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इसी तरह से शीघ्र पतन, शीघ्र यानी जल्दी, पतन यानी गिरना, फॉल। तो यहाँ पर भी यही मकसद है कि जल्दी से सीमन का इखराज हो जाता है और शीघ्र पतन हो जाता है। प्रीमैच्योर एजुकुलेशन यानी कि जो एक खास टाइम है उस टाइम से पहले अगर सीमन का इखराज हो जाए, एजुकुलेट हो जाए, तो वो प्रीमैच्योर एजुकुलेशन कहलाता है, यानी कि सूरत अंजाल कहलाती है। क्योंकि सीमन का इखराज तो होना ही है, इंटरकोर्स का जो अंत है, जो आखिर है, जो कल्मिनेशन है, वो तो यही है कि इखराज होगा, डिस्चार्ज होगा। लेकिन वो एक ख़ास वक्त के बाद होता है और उस वक्त से पहले अगर हो जाए तो वो प्रीमैच्योर कहलाता है, इसलिए प्रीमैच्योर एजुकुलेशन कहलाता है। प्रीमैच्योर एजुकुलेशन की बहुत सारी वजूहात होती हैं और तकरीबन हर शख्स में अलग अलग तरह की वजूहात होती हैं। सूरत अंजाल में आमतौर से तीन कैफियत पाई जाती हैं। एक, इंतिशार होते ही यानी इरेक्शन होते ही डिस्चार्ज हो जाता है, बहुत सारे केसेस होते हैं ऐसे। एक, इंटरकोर्स करने के लिए पेनिट्रेशन के बाद, दखूल के बाद डिस्चार्ज हो जाता है थोड़ी ही देर में। तीसरा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो बस इंटरकोर्स के लिए तैयारी करते वक्त बिना इंतिशार, बिना इरेक्शन के ही डिस्चार्ज हो जाता है, खारिज हो जाता है। सबकी वजूहात अलग होती हैं। तो इन वजूहात को जानने से पहले हम एक बार थोड़ी सी बात, जनरल बात करें इस बारे में। तो आमतौर से जो सूरत अंजाल के पेशेंट्स हैं वो अपने हिसाब से फैसला करते हैं टाइमिंग्स का। एक शख्स का टाइमिंग्स एक मिनट का है वो उसको कम लगता है, दूसरे का 5 मिनट्स का है वो भी उसको कम लगता है। तो ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि आखिर एक्चुअल टाइमिंग क्या हो, इसका कोई स्टैंडर्ड टाइम क्या हो। इसको बहुत मुश्किल है एग्जैक्ट टाइमिंग्स, क्योंकि हर शख्स के कवा अलग अलग होते हैं, हर शख्स की कैपेसिटी अलग होती है, हर शख्स की खुराक अलग होती है, मिजाज अलग होता है। तो उस हिसाब से ये टाइमिंग्स चेंज होते हैं। एक शख्स को एक मिनट भी काफ़ी होता है, उसकी क़ुव्वत इतनी ही है, किसी को 5 मिनट भी कम पड़ते हैं। लेकिन फिर भी ज़रूरी होता है कि हम कोई एक स्टैंडर्ड बनाएं जो कि वेरिएशन के साथ हो, एक बीच में बहुत लंबा गैप हो। तो हम 1 मिनट से 5 मिनट के टाइमिंग को एक नॉर्मल टाइम मान लेते हैं। आमतौर से 2-3 मिनट काफ़ी होता है, नॉर्मल होता है। कुछ हुक्मा इसको आधा मिनट भी मानते हैं, लेकिन आधा मिनट कम होता है ना, 1 मिनट तो हो। तो चलिए हम 1 मिनट से और 5 मिनट का टाइम मान लेते हैं, 5 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है। लेकिन आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि फला बंदा 20 मिनट करता है, फला बंदा आधा घंटा करता है और इससे भी ज़्यादा ज़्यादा। अब कभी कभी ये कुछ मुबालगा आ रही होती है, एक्सेजरेशन होता है, और कभी कभी ये होता है कि तरकीब जो है इंटरकोर्स करने की वो डिफ़र करती है। तो हम ऐसा अगर किसी शख्स का टाइमिंग्स को चेक करना चाहें, मालूम करना चाहें कि उसका एग्जैक्ट टाइमिंग्स क्या है, तो हमें एक बार इंटरकोर्स नॉर्मल तरीके से देखना पड़ेगा कि उसकी स्पीड मीडियम स्पीड हो, ना बहुत ज़्यादा तेज़ी हो, ना बहुत धीरे धीरे हो। धीमी गति होगी तो टाइमिंग्स बढ़ जाएंगे, तेज़ होगी तो टाइमिंग्स घट जाएंगे। इसलिए एक मीडियम स्पीड के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, विदाउट एनी स्टॉप पे इंटरकोर्स किया जाए, और जब डिस्चार्ज होता रहता है तो वो टाइम होता है। लेकिन इसको फिर भी नापने के लिए हमें अलग अलग टाइम पे, अलग अलग दिनों में 3 बार इंटरकोर्स करवा कर देखते हैं, फिर वो जो टाइमिंग होता है उसका, वो उसके लिए नॉर्मल होता है। आमतौर से एक रफ आइडिया।
फिर उसके बाद अगर लगता है तो दवा की ज़रूरत होती है, वरना थोड़ी बहुत उस इंटरकोर्स के तरीके में चेंज करके इस टाइमिंग्स को बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के, या दिमाग को कहीं और ले जा करके, उल्टी गिनती गिन करके, कुछ और सोच करके, या कुछ दवाओं के सहारे से अपने टाइम को बढ़ा लेते हैं, तो वो नॉर्मल साइज़ नहीं, वो नॉर्मल टाइम नहीं है। नॉर्मल टाइम के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो और नॉर्मल स्पीड रखी जाए, और उसके बाद जो होता है वो नॉर्मल टाइम होता है। लेकिन आप अपने हिसाब से, चूंकि ये एक बहुत ही मफरत मामला, इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, तो अपने लेवल पे सब लोग अपने हिसाब से करते हैं, वो ठीक है। वैसे मैं एक बात कहता चलूँ कि इस एक्टिविटी को, इस एक्शन को बहुत लंबा खींचना, बहुत लॉन्ग बनाना ठीक नहीं है। एक नॉर्मल टाइम, एक नॉर्मल लिमिट में, चूंकि इंटरकोर्स में मानी रखती है क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी चाहे काउंटिंग की हो या ड्यूरेशन की हो, वो इम्पोर्टेंस नहीं रखती। इम्पोर्टेंस रखती है इसकी क्वालिटी, जहाँ पर कि न सिर्फ आपको तशफ़ी, तसल्ली, सुकून और सेटिस्फेक्शन हो, बल्कि सामने वाला भी सेटिस्फाइड हो जाए। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है इंटरकोर्स की, जिसको कि लिहाज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब अगर हम देखें कि सूरत अनज़ाल किन लोगों को होती है और इसकी क्या वजूहत होती हैं, तो आमतौर से देखने में यह आता है कि सूरत अनज़ाल उन लोगों को ज़्यादा होती है जो लोग पहले से ही ज़रियान के मरीज़ हों। इनफैक्ट ज़रियान सूरत अनज़ाल का प्रीफेस है, पेश खेमा है, पहले होने वाली एक संकेत है, एक इंडिकेशन है। जहाँ पर ज़रियान है और अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं होता है, तो फिर चांसेस हैं कि फ्यूचर में वो प्रीमेच्योर एजुकुलेशन का मरीज़ बन जाएगा। और जिरियान की वजूहत में, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, मास्टरबेशन है, सोडोमी है, या कसरत जिमा है, या बहुत ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचना, फासिद मादे को दिमाग में रखना, ऐसी किताबें पढ़ना, ऐसी फिल्म्स देखना, इस तरह की चीज़ें ज़कावत हिस पैदा कर देती हैं, और उसके नतीजे में जिरियान पैदा हो जाता है, और जिरियान के बाद आगे चलकर यही कैफियत प्रीमेच्योर एजुकुलेशन में तब्दील हो जाती है। तो ज़रूरी है कि हम बिल्कुल अपनी शुरुआती एज में ही इस बात का ख्याल रखें कि इस तरह की तरफ ध्यान नहीं दिया जाए, ऐसे काम नहीं किए जाएँ जिस जो जिरियान का बाइस बने। तो अब आइए देखते हैं थोड़े से और सिम्टम्स डिटेल में। सूरत अनज़ाल की वजूहत में सबसे बड़ी वजह है क़ुव्वत मासिका का कमज़ोर होना, ज़ौफ़ क़ुव्वत मासिका, यानी द वीकनेस ऑफ द पावर ऑफ रिटेंशन। ज़ौफ़ क़ुव्वत मासिका ग़लबे रुतूबत और बुरूदत की वजह से होता है। इसकी एक ख़ास पहचान ये है कि कोई भी मर्द जब इंटरकोर्स का इरादा करता है और वो पेनिस को वेजाइना में डालता है, एंटर करता है, पेनिट्रेट करता है, उस वक्त फ़ौरन दखूल के फ़ौरन बाद डिस्चार्ज हो जाता है। कभी कभी थोड़ी देर बाद भी होता है, कभी थोड़ी देर पहले भी हो जाता है, बाहर भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेज में यही कहानी आपको देखने को मिलेगी। पेशेंट आपको यही आकर कहेगा कि बस अंदर दाखिल करते ही डिस्चार्ज हो जाता है। ये इस बात का सबूत है कि उसकी क़ुव्वत मासिका कमज़ोर हो गई है, ज़यीफ़ हो गई है। और अगर क़ुव्वत मासिका कमज़ोरी के साथ साथ क़ुव्वत दाफ़ियात तेज़ हो गई है, नोट किया जाए, क़ुव्वत मासिका कमज़ोर है और उसके साथ साथ क़ुव्वत दाफ़िया भी तेज़ हो गई है, तो वहाँ पे जिरयान भी मिलेगा। लेकिन अगर क़ुव्वत दाफ़िया तेज़ नहीं है, उसमें तहरीक नहीं है, तो सिर्फ सूरत अनज़ाल मिलेगा। और ये होता है ग़लबे रुतूबत की वजह से, बुरूदत की वजह से। तो जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में हमें इसके इलाज में ज़िद के तहत उसी तरह की दवाओं को इस्तेमाल करना होता है। सूरत अनज़ाल की एक दूसरी बड़ी वजह होती है हरारत और हिद्दत, यानी कि गर्मी और तेज़ी, जो कि मनी में पैदा हो जाती है। तो इस केस में सीमन बारीक हो पतला होता है, रकीक होता है, लेकिन डिस्चार्ज के वक्त जलन होती है और सीमन का कलर पीला होता है। जबकि सीमन पतला क़ुव्वत मासिका की कमज़ोरी में भी होता है, क्योंकि वहाँ पे रुतुबत पाई जा रही है, रुतुबत, लेकिन वहाँ पे जलन नहीं होती और सीमन का कलर सफ़ेद होता है। ये इम्तियाज़ और तशखीस करना ज़रूरी है, तफरीक करना ज़रूरी है। तो जो लोग गर्म चीज़ खाते हैं, गर्म मिजाज है, इस तरह के केसेस में ये सफरावी अलामत पाई जाती है और गर्मी और तेज़ी की वजह से सूरत अनज़ाल हो जाता है। और बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है कि मसाने की गर्मी की वजह से सूरत अनज़ाल हो जाता है।
तो जाहिर सी बात है हम इसमें बारिद अदविया का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे कि माजून महरूर मिजाज है या शरबत नीलोफर है या दवा मिस्क मोतदिल सादा है, इस तरह की दवाओं को हम इस्तेमाल करते हैं तादील के लिए, चूँकि जो मिजाज में या कैफियत में गैर तबई सूरत पैदा हो गई है उसको नॉर्मलाइज करना, उसको मोतदिल बनाना ही किसी भी मर्ज का इलाज होता है। और एक वजह होती है इम्तलाए मनी या खून की ज़्यादती, कसरत दम, हालांकि ये कैफियत बहुत कम होती है लेकिन फिर भी कभी कभी देखने को मिलती है यंग बॉयज़ में, जहाँ पर कि सीमन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही तंदुरुस्त तवाना होते हैं, तो ऐसे में सीमन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत जल्दी से इखराज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे केसेस में हम तकलील मनी की दवाएँ देंगे, जैसे कि किशनीज़ है, काहू है, इस तरह की चीज़ें हम देते हैं और उसमें रिलीफ मिलता है। एक वजह और होती है इत्तिसाए कसीब, यानी कि यूरेथ्रा का चौड़ा हो जाना, कुशादा हो जाना, तो ऐसे केस में भी सूरत अनसाल की कैफियत पैदा हो जाती है। तो जाहिर सी बात है इस केस में हम एक बहुत ही मशहूर माजून बंद कुशाद का इस्तेमाल करते हैं। और इन सारी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए, तशखीस करने के लिए जो भी नुक्ते मैंने बताए इन बात को ध्यान रखा जाए, तो डियर यूनियन फिजिशियंस इनफैक्ट सूरत अनसाल का इलाज कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप तशखीस करें जिस तरह के नुक्ते मैंने बताए हैं इस तरह से, और इलाज के बारे में जाहिर सी बात है हम इलाज विजित करते हैं, तो जैसे हालात होते हैं हर जगह माजून मुखलिस माजून मुखलिस माजून मुखलिस नहीं दिया करते, जैसे कि अगर कुव्वत ज़ौफ़ मासिका कुव्वत का ज़ौफ़ अगर है, सॉरी कुव्वत मासिका का ज़ौफ़ अगर है, तो उसमें हम माजून अस्पद सोख्तनी बहुत ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल करते हैं। और पेशेंट की रान थाइस का अंदर का हिस्से पे रोगन कुश्त या कोई भी गर्म रोगन की मालिश करवाते हैं, और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा रुतुबत का गलबा है जो कि पेशेंट को देखने से पता चल जाता है, तो हम बलगम का तनकिया भी करते हैं, पहले हफ्ता 10 दिन एक बार उसके बलगम का तनकिया करते हैं, उसके बाद दवाएँ देते हैं और फिर देखिए आप उसका परफॉर्मेंस दुआओं के काबिल हो जाता है। इसी तरह से एक प्रॉब्लम कुछ लोगों में इसलिए भी होती है कि उसके आज़ाए रईसा या वाइटल ऑर्गन्स में वीकनेस होती है, तब भी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है, ये भी आमतौर से देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है हम वहाँ पर खमीरा जात का इस्तेमाल करते हैं, दवा मिस मोतदिल सादा का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हमें अपे अजराकी का भी इस्तेमाल करना होता है। तो ये इनफैक्ट एक ही किसी गोली से, किसी एक ही दवा से, एक ही माजून से हर तरह के केस का ठीक हो जाना मुमकिन ही नहीं है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि ये जाने कि मर्ज़ क्या है, मिजाज क्या है और उसकी तशखीस क्या है, और उसके बाद उसकी तजवीज़ की जाए और फिर जो दवाएं दी जाती हैं वो काम करती हैं। यही वजह है कि मैं अपने पेशेंट से बहुत सारे सवाल करता हूँ, कभी कभी तो पेशेंट भी थोड़ा सा सोचने लगता है कि इतने सवाल क्यों, क्या गुनाह हो गया, क्या जुर्म हो गया कि इतनी तफ्तीश हो रही है, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आपको हर जाविये से, हर नज़रिए से उसको देखें, जांचें, परखें, जानें, समझें और उसके बाद तशखीस करें, फिर तजवीज़ करें, तो रिजल्ट्स मिलते हैं और यही हमारा मकसद है। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, सूरत अनसाल इस वक्त बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसको बहुत ही सीरियसली डील करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो भी नुक्तजात बयान किए, हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे नुक्तजात हैं जो जहन में बर वक्त नहीं आते, बाद में ख्याल आता है, लेकिन ठीक है इतना भी फ़िलहाल काफ़ी है, फिर कभी किसी वीडियो में इंशाल्लाह और बहुत सारी बातों को शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डियर यूनानी फिजिशियंस, एक पॉइंट और याद आया मतलब पहुँचने के बाद शेयर करते हैं। देखिए एक सूरत अनसाल में एक कंडीशन और होती है, जबकि पेशेंट का मनी का इखराज बिना इस्तादगी के हो जाता है, यानी कि पेनिस में इरेक्शन नहीं आता है और डिस्चार्ज हो जाता है, अनसाल हो जाता है। ये कंडीशन आमतौर से देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम केसेस होते हैं लेकिन होते हैं, और ये कंडीशन जो है इस्तरखाए कसीब के नाम से जानी जाती है, यानी कि जो कसीब के नर्व्स हैं वो ढीले पड़ गए हैं
तो ऐसी कंडीशन में हम तनक़िया बलगम का ख़ास ख्याल रखते हैं, और उसके बाद तक़वियत आसाब का ख्याल रखते हैं, और फिर मुगन्निज़ात का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी कंडीशन जरियान वालों को भी अक्सर देखने को मिलती है, जबकि वो कहते हैं कि मनी बहती ही रहती है, मनी बहती ही रहती है, तो वहाँ भी हम इसी उसूल इलाज को मद्देनज़र रखते हैं। तो बहुत सारे नुकते हैं जो फ़िलहाल जहन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।